वहीं महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करते हुए शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इसकी देरी को लेकर भी सवाल उठाए। साथ ही प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि विपक्ष ने लोकसभा में बिल का समर्थन किया है, इसीलिए बिल को पारित करने में विपक्ष का भी पूरा योगदान है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, वरिष्ठ सांसद हैं, शिवसेना से आती हैं, और ये जो महत्वपूर्ण विधेयक है महिला आरक्षण विधेयक, आज राज्यसभा में क्या रणनीति रहेगी क्योंकि लोकसभा में पारित हो चुका है? रणनीति नहीं है ये, राजनीति नहीं है ये, महिलाओं के अधिकारों की बात है। हमारे बिल्स को लेकर कुछ कंसर्न्स हैं जो हम अपना पक्ष रखेंगे, पर जिस तरीके से लोकसभा में उनको पूर्ण समर्थन मिला है एक पार्टी को छोड़कर, हम भी इसका समर्थन करते हैं। और जिस स्पिरिट से ये पास हुआ है वो स्पिरिट बनाए रहने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की। आज तक कोई कानून ऐसा नहीं बना है जो फ्यूचर डेट पे इंप्लीमेंट होगा, ये पहला कानून है, क्योंकि इस भरोसे पे है कि महिलाओं को उनका लॉन्ग स्टैंडिंग जो उनका अधिकार है उनको मिलेगा। लेकिन वक्त लगेगा इसमें, और इसका जवाब भी दिया गया है गृह मंत्री की ओर से, इसके अलावा डिलिमिटेशन की बात हो, सेंसेक्स की बात हो। मैं कहूंगी ये सारी बातें कल रखी गई हैं, जिस कमिटमेंट से उन्होंने बात की उसी कमिटमेंट से विपक्ष ने उनका समर्थन दिया है। समर्थन ये इसलिए दिया है कि जल्द से जल्द इसको पूरा करें। लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है, 2024 में होनी चाहिए थी पर वो आगे की डेट पे गई है। उम्मीद करती हूँ कि इससे ज्यादा पोस्टपोन अब नहीं होगा। मेरा आखिरी सवाल है क्रेडिट वार को लेकर, ये आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस क्रेडिट वार लेना चाहती है, विपक्ष इसका क्रेडिट लेना चाहता है। मैं, कोई भी इसका अगर क्रेडिट लेना चाहता है, मैं कहूंगी क्रेडिट वर्थी है और सारी पक्षों ने उसका समर्थन दिया है, तो क्यों नहीं कोई बात करेगा कि हाँ हमने समर्थन दिया। आज इस ऐतिहासिक क्षण में हम सब ने एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लिया है जिसके हम सब भागीदारी हैं। मैं आपको बोल रही हूँ, जब मेरा टर्म शुरू हुआ था मेरी उम्मीद ये थी कि मेरे कार्यकाल में ये बिल आए और ये ऐतिहासिक क्षण मिले। ये ऐतिहासिक क्षण मुझे मिला है, क्या मैं इसके बारे में नहीं चर्चा करूँगी? ये क्रेडिट वॉर नहीं होता है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है जो लॉन्ग ओवरड्यू है, जो महिलाओं को मिली। धन्यवाद बात करने के लिए। और प्रियंका चतुर्वेदी ये बता रही थी ये बिल कितना महत्वपूर्ण है और इसलिए तमाम विपक्षी दलों ने इसका समर्थन किया है, केवल एक दल को छोड़कर ओबीसी की पार्टी ने इसका विरोध किया है। दो सांसदों ने लोकसभा में मतदान में इसका विरोध किया है, लेकिन अब निगाहें राज्यसभा पर है। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।